अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। दीदी दीदी बस करो। अभी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। दीदी मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। कुछ नहीं होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता विधि, ये सब गलत है विधि। जस्ट ट्रस्ट मी। नहीं विधि, ट्रस्ट मी, कुछ पता नहीं चलने दूंगी, कुछ नहीं होगा विधि। नहीं विधि, विधि नहीं। यहीं खड़ा रहेगा, चल निकल। एक लड़की ने पहले एक लड़के के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और फिर बिना उसे कुछ कहे, बिना कुछ समझाए उसे अचानक छोड़ दिया। जस्ट ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी, किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। यहीं खड़ा रहेगा, चल निकल। नमस्कार, सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ के इस चौंका देने वाले एपिसोड में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। हमें यह सुनने की आदत है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को एक्सप्लॉइट किया, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ ऐसा किया तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे। अपराधी स्त्री या पुरुष नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। सवाल ये उठता था कि ये लड़की इस लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर क्या इरादा है उसका, क्या मंसूबे हैं उसके। कुछ कहानियां दूसरी कहानियों से कुछ हटकर होती हैं। ये अपराध की कहानी कुछ ऐसी ही है। महाराष्ट्र में घटी इस वारदात को जानने के लिए आइए इस कहानी को आगे देखते हैं। एंटरटेन कर रही हो, ये सही लड़का नहीं है। तो मैं कौन सी अच्छी लड़की हूँ? हाय विधि। हाय विधि, जब मन आए तब क्लास में आती हो, जब मन आए तभी बंक कर देती हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पर आवारा गर्दी करने भेजा है क्या? सर वो कहते हैं कि जो मन में आए वो करो। साइलेंस। एक हफ्ता, एक हफ्ते में मुझे प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दिखाया तो एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, फिर जो मन में आए वो करना। सर प्लीज एक हफ्ता। विधि ये सब भी तो स्टूडेंट्स है और ये अभी कॉलेज में टॉप करता है, पढ़ाई के साथ में कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, और तुम इस कॉलेज का और तुम्हारा सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही हो। सिट डाउन। शाम को घर आ रहा ना मेरे, मेरा प्रोजेक्ट बनवाने आ जा। उस कार वाले को बुला अपने घर और उसी से बनवा अपना प्रोजेक्ट। उसी लड़के, इनसे जरा सी फ्रेंडशिप क्या कर लो, पजेसिव भी हो जाते हैं। जाने दे इसे,
कॉलेज में और भी बहुत लड़के हैं ऐसे, अगर ये मेरा काम नहीं करेगा तो कोई और करेगा। चल। तुम दूर होती हो तब भी लगता है कि तुम मेरे पास हो, और जब तुम ऐसे चुप होती हो तब भी लगता है कि तुम मुझसे बातें कर रही हो। यार ये अभी तो पहले ही सागरिका के साथ फिक्स है। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, फिर ये तो सिर्फ एक रिलेशनशिप है। बाय। सी यू। कैसे लग रही हूं मैं? अटैक। हाय। हाय। थैंक यू। वैसे एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो तुम। थैंक्स। अभी तुम मेरी हेल्प करोगे मेरा प्रोजेक्ट बनवाने में? ओके। मुझे मालूम था तुम मना नहीं करोगे, तो आज शाम से शुरू करें मेरे घर पे मिशन। मिशन? हाँ, मिशन बंदरगाह द पोर्ट। मेरे प्रोजेक्ट का नाम। एक्चुअली घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम कॉलेज के टाइमिंग से एक घंटा पहले यहाँ आ जाओ तो हम 3-4 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। ओके। See you then. So that is how it's going to work. Page 18 से शुरू करेंगे। All right. कल से तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग का। सॉरी आई गेट इट। अभी ऐसे नहीं, एक बार और नहीं तो झगड़ा हो जाता है। क्या? अरे क्या कर रही हो? पागल हो क्या? झगड़ा हो जाता नहीं तो। हेलो। हाय। अभी तुम जाओ, मैं निधि की सामान लेने में हेल्प करती हूँ, वरना उसे बुरा लगेगा ना। ओके। वैसे भी हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर ओके टैक्स डिडक्शन। So you better get it from this page. Okay. All right. See you tomorrow. Bye. 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 अभी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रही हो तो ठीक है, लेकिन कोई और प्रोजेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझी? अरे वाह, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे अभी तुम्हारा पति है। हाँ, हम शादी भी करेंगे, तुम्हारी तरह नहीं है, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ। Keep distance, understand? अभी है ना, दूसरे लड़कों जैसे टिश्यू पेपर टाइप्स नहीं है, जो यूज एंड थ्रो। अगर वो तेरे से फंसा ना तो वो पक्का चेप हो जाएगा। बेटा मैं विधि हूँ, और इस विधि का विधान
कोई नहीं बदल सकता। वो हाथ भी आएगा और उसे मैं छोड़ भी दूंगी। जैसे इस लॉलीपॉप का रैपर उतार के फेंक दिया। अरे देख वो आ रही है। देखो सागरिका, विधि भी तुमसे मिलने आई है। सागरिका, तुम दोनों का 15 दिन बाद शो है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। वैसे अभी मेरी इतनी हेल्प कर रहा है तो मुझे लगा मुझे भी तुम दोनों की हेल्प करनी चाहिए। कैसी हेल्प? एनुअल डे पे तुम दोनों का रोमांटिक शो है तो वो कैंसिल ना हो जाए इसके लिए मुझे लगा तुम्हारा वाला रोल मैं कर लेती हूँ अगर तुम चाहो। नहीं 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 विधि, वो प्ले मैंने सागरिका के साथ ही प्लान किया है तो सागरिका के साथ ही करूँगा। अभी अभी वो प्ले नहीं होगा, मे बी सम टाइम लेटर। बात क्यों? क्या हुआ विधि, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? मैं सोच रही थी कि मेरे पास तेरा कॉल आएगा और तू मुझे बोलेगी कि सिमी प्लीज मौसी क्या चली जा। यार यार ये अभी तो बड़ा महान आत्मा है यार। यार तू इस अभी को कभी भी पटा पाएगी या अभी डिसाइड कर लिया कि कभी नहीं? मुझे लगता है ये अभी ना तभी हाथ आएगा जब इसे सागरिका की कमी महसूस होगी। बट इन लव बर्ड्स को अलग करने से पहले अगर उस उमंग ने तेरा प्लान चौपट कर दिया तो अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना भाई। हाय। विधि क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? वो आज इसका व्रत है ना तो इसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है इसीलिए चक्कर आया होगा। नौ से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उमंग तुम उस पर कमेंट कर रहे हो? मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। ओके उमंग, तुझे से सॉरी बोलने की बजाय जानता नहीं इसे क्या चीज है। इसने क्या क्या मैंने क्या बोलो, ये क्या हो रहा है? प्रसाद, वो मेरे व्रत पूरे हुए हैं ना तो आज उद्यापन किया। ओके। उमा, प्रसाद। अरे प्रसाद से मुंह नहीं फेरते, देखो तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल चुकी हूँ। जाओ, माफ किया तुम्हें। How dare you? अभी तू जानता नहीं इसे। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तू विधि को बहुत परेशान कर रहा है। Just back off, okay? तू मुझे मत समझा, ठीक है? आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। Just leave. छोड़ूंगा नहीं।
दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दीदी मुझे समझ नहीं आता कि उमंग तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया ना इसलिए। तुम तो जानते हो पहले कितने अच्छे दोस्त थे हम, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि उसके इंटेंशंस कितने सही थे, अभी कितने गलत थे। Really? जो खुद गलत होता है वही दूसरों के बारे में गलत बोलता है। तुम्हें पता उस दिन जब मैं तुम्हारे साथ अनाथ आश्रम गई थी, वो अपने दोस्तों के साथ मेरे कैरेक्टर पे क्या हो गया उसको इस दिन मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। Don't worry, okay? तुम चिंता मत करो, हम उसकी प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे। नहीं अभी मुझे कुछ नहीं करना, I'll handle it. Sure. Quite impressive, must say. बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है तुमने विधि। मैंने तो बस वही लिखा है जो मैंने खुद इस कॉलेज में फेस किया है। मतलब ये तुम्हारी स्टोरी है? वाओ। अभी 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 क्यों ना एनुअल डे पे तुम दोनों यही प्ले परफॉर्म करो। आई मीन वुमन पावर का मैसेज है इसमें। नहीं सिमी, अभी ये प्ले नहीं करेगा, वो तो बस सागरिका के साथ ही। अब लिसन, I'll definitely do this play. This is so nice. It's a brilliant script. बहुत ही बढ़िया script है। लेकिन अगर सागरिका को बुरा लग गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। सागरिका बिल्कुल भी narrow minded नहीं है विधि। In fact उसको तो मुझ पे proud होगा अगर मैंने इस subject पे play किया तो। Oh great! तो क्यों ना rehearsal आज से start हो जाए? हाँ लेकिन मैं किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहती। तुम भी सागरिका को मत बताना ना प्लीज। Actually, हम उसे एक सरप्राइज देंगे। गुड आइडिया, लेट्स गो फॉर इट। विधि, मेरे पास्ट में कौन था मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं यही चाहूंगा कि तुम भी अपना पास्ट भूलकर मेरा प्रेजेंट बन जाओ। लेकिन अभी उमंग ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नहीं 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 नहीं, अब विधि आप ये जो करेक्टर नेम्स है ना इनको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज रियल नाम रखना ठीक नहीं है। ओके, चेंज इट प्लीज। ठीक है, अभी नाम बदल देते हैं। सो दोबारा करें विद द न्यू करेक्टर नेम्स। विधि, मेरे पास्ट में कौन था मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं यही चाहूंगा कि तुम भी अपना पास्ट भूलकर मेरा प्रेजेंट बन जाओ। वन फिल्म कैन चेंज द लाइफ, ये अभी की जिंदगी की वो फिल्म है जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। कल हम सागरिका से मिलने चलेंगे। बट सागरिका से मिलने की क्या जरूरत है? आई मीन हम उसे ये फिल्म मेल भी तो कर सकते हैं। पूरी फिल्म थोड़ी दिखानी है उसे, उसे तो सिर्फ ट्रेलर सुनाना है। मैं तुम दोनों को गलत समझती थी, लेकिन कॉलेज में अभी के अलावा तुम दोनों ही हो जो मुझे देखने आए। हो जाता है अभी अभी, आई मीन कभी कभी इंसान को गलतफहमी हो जाती है। विधि, मेरे पास्ट में कौन था मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं यही चाहूंगा कि तुम भी अपना पास्ट भूलकर मेरा प्रेजेंट बन जाओ। ये सॉरी, गलती से बटन प्रेस हो गया। ये आवाज अभी की थी ना? अरे नहीं, ये शशांक की आवाज थी। अभी को इतना मिस कर रही हो? अच्छा ठीक है सागरिका, हम लोग चलते हैं, तुम आराम करो। बाय सागरिका। बाय।
मुझे हो गया। क्या सागरिका का कॉल है, उसको बोल के मैं चलती हूँ। ओके बाय विधि। हाय सागरिका। सिमी विधि तुम्हारे साथ है क्या? नहीं विधि तो चली गई और मैं भी अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। क्यों क्या बात है? विधि के फोन से जो आवाज आ रही थी वो अभी की थी ना? हाँ मुझे भी अभी की ही आवाज लगी। अच्छा उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? सागरिका मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता। हाँ लेकिन जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है ना दोनों बहुत ज्यादा ही मिल रहे हैं। काम हो गया। यस विधि तू सही कह रही थी। पता है सागरिका कॉलेज आई है। मैं सोच रही थी कि हमारे प्ले में अगर तुम मुझे एंड में गोद में उठाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोलते? हाँ उठा लोगे ना? ऑफ कोर्स उठा सकता हूँ लेकिन तो उठा के दिखाओ। ओके चल। लेकिन मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट तुमने चुना है उसके हिसाब से इतना सारा रोमांस प्ले की एंडिंग मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। ठीक है तो पहले जैसा रखते हैं। और भी काफी चीजें हैं ना, काफी आइडियाज हैं, वो करते हैं ना एग्जीक्यूट। अभी तो काफी दिन है वैसे भी प्ले में, है ना? हाय सागरिका। हाय सागरिका, हाउ आर यू? हाथ कैसे तुम्हारा? सागरिका बेबी तुम क्यों नाराज हो रही हो यार? इतने दिन से मिल नहीं पाया इसलिए राइट? हाँ बताओ क्या हुआ? इसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना समझे तुम? इसे कहते हैं अपने पैरों पे खुलाड़ी खुद मारना। उमंग मेरी हेल्प कर दो ना। या आउच थैंक यू। उमंग Let's move. बेटा आज तो अपनी मौसी के घर का प्लान बना ही ले। Thank you.
अभी अभी यार मुझे लगता है ये सागरी का ना तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, और अपने आप को ऐसे तकलीफ देने से तो अच्छा है तुम भी उसे इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। दीदी दीदी मैं सागरी का से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं सागरी का से दीदी दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा कि सागरिका मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मैंने ऐसा क्या किया मैंने ऐसा कि वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। अच्छा ठीक है, तुम इन सब बातों से अपना ध्यान हटाओ और मेरे घर चलते हैं रिहर्सल के लिए। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है यार, अभी मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ बैठ कर रो रो कर तुम अपने आप को सजा दोगे। मेरे घर चलते हैं और वहीं हम मिलकर कोई सलूशन निकाल लेंगे। चले लेट्स गो, कम ऑन, चीयर अप। विधि सॉरी, मुझसे अभी रिहर्सल नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, मत करो, पर तुम कहीं जाओगे नहीं, मेरे पास ही रहोगे। अभी मैं जानती हूँ तुम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो ना, अगर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प कर पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम सागरिका को मेरी जिंदगी में वापस ला सकती हो? अभी दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो तो दर्द बांटना चाहती हूं। ये क्या कर रही हो तुम? अभी यार मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। दीदी दीदी बस करो। अभी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। कुछ नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकता विधि, ये सब गलत है विधि। जस्ट ट्रस्ट मी। नहीं विधि, ट्रस्ट मी, कुछ पता नहीं चलने दूंगी, कुछ नहीं होगा विधि। नहीं विधि, विधि नहीं। Thank you.
यहीं खड़ा रहेगा। चल निकल, आंखें मार के क्या देख रहा है, कान खोल के सुन। तू ना ऐसे फिल्म है जिसे एक बार देखा जा सकता है, बार बार नहीं। चल निकल। तू ना ऐसे फिल्म है जिसे एक बार देखा जा सकता है, बार बार बार। अपनी विधि को किसी और के साथ देखकर बुरा लग रहा है, जलन हो रही है। अभी 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 रुको, यहां कहां भाग रहे हो? अभी आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तकलीफ आज तुम्हें हो रही है ना, मुझे भी हुई थी जब मैंने तुम्हें विधि के साथ कितना प्यार करती थी मैं तुम्हें। अभी नहीं, नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तुम तो उस उमंग के पता है सागरिका, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी दूरी आ जाएंगी, कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे एक बार एक बात नहीं कह पाओगी। तुम्हारी वजह से मैं तुमसे दूर हो गया, और उस विधि ने मेरी तकलीफ का फायदा उठाया, और हमें वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और सारी हदें पार हो गई। मैं तो सिर्फ तुम्हें जताने के लिए उमा के साथ नाटक कर रही थी, पर तुमने विधि के साथ ऐसे फिल्म है जिसे एक बार देखा जा सकता है, बार बार। क्यों फोन किया? दीदी हम दोनों में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। कितनी बार बोलेगा, फोन रख। नहीं दीदी, हम दोनों में जो कुछ हुआ वो सब सही था,
वो सब प्यार था। विधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात मुझे अब समझ आ गई है। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी से दूर मत करो, प्लीज। देख, मेरी लाइफ का फंडा ना एकदम क्लियर है, मैं दोबारा किसी को एंटरटेन नहीं करती। प्लीज समझने की कोशिश करो। आई लव यू, आई लव यू विधि। अभी दोबारा फोन किया ना तो सारा प्यार का भूत उतार दूंगी तेरा, समझे? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, ओके? मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम ये सब सिर्फ मुझे आजमाने के लिए कर रही हो। सही कहती है, चेप हो और चेप ही रहोगे। देखो मेरी आंखों में, देखो और बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, करती हो ना? नहीं करती, नहीं करती। तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है अभी? ये क्या कर रहा तू? मुझे जीने का कोई हक नहीं। नो, मुड़ी मुड़ी है। बोलो विधि, अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता? सर, मैंने अभी को और इसको इस क्लासरूम में आते हुए देखा था और अभी के हाथ में जहर की बोतल भी थी। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ना ले। चेक करो। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर यहाँ कोई है? सर 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 मैंने कुछ नहीं किया। उसने सुसाइड किया है। सुसाइड किया है तो तुम छुपा क्यों रही हो? जेब में तो लेटर मिला। इसमें तो लिखा है कि इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये तुमसे प्यार करता था और तुम इसे बेवकूफ बना रही थी। सर मैं उसे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो मर जाए। सर, इसने खाली मुझे ही नहीं कई सारे लड़कों को इस्तेमाल किया है। ये उनके साथ प्यार का नाटक करके उनके इमोशंस के साथ खेलती है। सॉरी सर, इस लड़की की असलियत सामने लाने के लिए मुझे रवि को ये नाटक करना। सर ये सही बोली है, इस लड़की ने मेरे साथ भी प्यार का खिलवाड़ किया है। सर इसने मेरे साथ भी प्यार का नाटक करके मुझे भी धोखा दिया है। सर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर अभी सच में मर गया होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। फिलहाल तो तुमसे माफीनामा लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आगे से कोई भी कंप्लेंट आई ना तो सीधा जेल जाओगी, समझी? ले चलो इसे। विधि ने अपनी गलती को स्वीकार किया, माफीनामे पे साइन किया और उसे छोड़ दिया गया। और विधि अपनी गलती से जो गुनाह करने वाली थी उस पॉइंट के बारे में हर लड़के और लड़की को सोचना चाहिए। जब हम किसी की जिंदगी को खेल बनाकर उसकी भावनाओं से खेलते हैं तब ये खेल और मजाक नहीं रहता, तब ये अपराध हो जाता है। अभी के पास तो सागरिका का साथ था, उसने उसे सपोर्ट किया, उसकी बात को समझा, उसे टूटने से बचाया। वरना अक्सर इंसान ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।
प्यार एक सच्ची और पवित्र भावना है, इस पर धोखे का कलंक मत लगने दीजिए। जिंदगी अनमोल है, झूठ फरेब निराशा जैसी कोरी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसका खामियाजा सिर्फ आप ही को नहीं आपके परिवार को भी भुगतना पड़े। आइए अपने जीवन के महत्व को समझें, आइए थोड़ा सतर्क हो जाएं, आइए सावधान हो जाएं। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत, फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर जहां महाराष्ट्र क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।